आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं। मनी को अट्रैक्ट करने वाले चार क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस क्रिस्टल की क्या क्वालिटी होती है और किस पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन फोर क्रिस्टल्स जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो अपनी शुरुआत करते हैं हम ग्रीन एवेंचुरियन के साथ। देखिए ग्रीन एवेंचुरियन, इसको हम स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टोन ऑफ गैम्बलर्स, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है बट यस, इसको स्टोन ऑफ गैम्बलर्स भी बोलते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन एक ऐसा स्टोन है जो हर तरह से मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी बहुत क्वालिटीज होती हैं, इसमें ऐसी बहुत रेस होती हैं जो नए नए, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, कुछ ना कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए अट्रैक्ट करता रहेगा अगर आप ग्रीन एवेंचुरियन को यूज करते हैं। तो दूसरा जो इसको स्टोन ऑफ गैम्बलर जो कहा जाता है, उसका कारण ये है कि ऐसा कोई भी काम जहां पर लक की जरूरत हो वहां पर हम ग्रीन एवेंचुरियन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं जहां लक की बहुत जरूरत है। पहला एग्जांपल शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बहुत कुछ लक पे ही डिपेंड करता है, कब शेयर्स ऊपर जाएंगे कब नीचे जाएंगे कोई भी कंफर्म नहीं होता है इसमें। तो ऐसे वाले जो बिजनेस होते हैं जिसमें अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं और आपको खुद ही नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, तो ऐसे वाले बिजनेस में हम इसको यूज करते हैं। या कोई भी आप ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रयास पूरा कर रहे हैं लेकिन हाथ आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे वाली जगह पे हम इसको यूज करते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन एक बहुत ही अच्छा और प्यारा स्टोन है जो मनी के साथ साथ, देखिए जहां पर भी हमको मनी के साथ में लक की भी जरूरत हो वहां पर ग्रीन एवेंचुरियन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे बेस्ट स्टोन है वहां पर यूज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका बिजनेस चल रहा है जहां पर आपको नई नई, या फिर जॉब में भी, बिजनेस अकेले नहीं जॉब में भी, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नए प्रोजेक्ट की तलाश है या फिर आप बिजनेस जॉब में किसी डिपार्टमेंट में हैं, आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं अपने लिए या कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा सा प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो ऐसे वाले समय के लिए ग्रीन एवेंचुरियन सबसे बेस्ट क्रिस्टल है। आप थोड़ा सा ग्रीन एवेंचुरियन अपने पास में रखेंगे, इसको भी यूज करने के तरीके होते हैं। देखिए स्टोन्स के लिए मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि स्टोन तभी काम करते हैं जब वो क्लीन प्रोग्राम और चास्ट किए हुए स्टोन्स हों। अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम्ड स्टोन अपने पास में रखते हैं तो आपके लिए बहुत इसमें फायदा होता है, पैसा तो लाएगा ही क्योंकि मनी तो ये अट्रैक्ट करते ही है, लेकिन मनी के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोलती है। तो ये हुआ एक ग्रीन एवेंचुरियन सबसे पहला स्टोन। दूसरी हम बात करते हैं सिट्रिन की। देखिए सिट्रिन, जिसको हम मर्चेंट स्टोन, सक्सेस स्टोन इस तरह से जानते हैं। सिट्रिन देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही इसकी क्वालिटीज हैं। इसकी जो रेज हैं सन जैसी ब्राइट एकदम, जो न सिर्फ मनी को खींचता है बल्कि आपको भी इतना स्ट्रांग बनाता है कि चाहे कितना पैसे की प्रॉब्लम हो बिजनेस में, चाहे कितनी उथल पुथल हो रही हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं ये टूटने देगा क्योंकि इसकी ब्राइटनेस सन जैसी है, इसमें जो मजबूती है वो सन जैसी स्ट्रांग रेज है। तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो ये आपकी हिम्मत टूटने नहीं देगा। सबसे ज्यादा जो मनी के लिए यूज किया जाता है वो होता है सिट्रिन। बहुत ही प्यारा स्टोन है सिट्रिन। सिट्रिन को भी यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको कैश बॉक्स में रखें, आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, आप जहां पर आपका ऑफिस है, बिजनेस है आपका, वहां पर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिट्रिन बहुत यूज होता है। अच्छा दूसरा सिट्रिन जो मेन काम करता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनी के क्षेत्र में वो भी। जैसे अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ या आपके जॉब में कुछ अप डाउन चल रहे हैं, मनी फ्लो उतना ज्यादा आपकी तरफ हो नहीं रहा, तो एक तरफ तो ये मनी फ्लो आपके लिए बढ़ाएगा अगर आप कॉम्बिनेशन में रखते हैं ग्रीन एवेंचुरियन भी और सिट्रिन भी। तो एक तरफ तो ये सिट्रिन मनी फ्लो बढ़ाएगा और ग्रीन एवेंचुरियन दूसरी तरफ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा, नए नए अवसर लाएगा, नए नए रास्ते खोलेगा। दूसरा सिट्रिन आपको टूटने नहीं, चाहे आप बिजनेस में कितना परेशानी में हो, कितना टेंशन स्ट्रेस कुछ भी हो, लेकिन सिट्रिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाता रहेगा।
पैसे का फ्लो बढ़ाएगा और एक ऊर्जा बढ़ाता रहेगा जिससे कि आप खुद ही मोटिवेट होते रहेंगे। सिट्रिन के लिए कहा जाता है कि इसका जो मोटो, इसका जो वाक्य है वो ही होता है कि यस आई कैन डू, सिट्रिन के लिए कहा जाता है। तो इसका थीम जो सेंटेंस है वो यही है। तो कभी भी आपकी हिम्मत नहीं टूटने देगा। आप सिट्रिन को रखेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर से आप इतना मोटिवेटेड रहेंगे कि आप अच्छे अच्छे काम करने के लिए खुद ही उत्सुक रहेंगे और आपके लिए मनी फ्लो अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये हो गई दो स्टोन्स की बात। अब हम तीसरा स्टोन बात करते हैं, पायरेट। पायरेट पे मैंने बहुत डिटेल एक अभी वीडियो भी बनाया हुआ है, आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। देखिए पायरेट कितना प्यारा सा स्टोन, इसको बहुत सारे फॉर्म्स में यूज किया जाता है। ये क्लस्टर है, इस तरह के शेप्स में भी पायराइट आता है ना। तो किसी भी तरह से पायराइट यूज किया जाता है। पायराइट एक ऐसा स्टोन है, जब भी आप अपना वेल्थ बॉक्स बनाएं तो इसमें पायराइट रखना ना भूलें। इतना ज्यादा प्यारा और अट्रैक्ट, मनी को अट्रैक्ट करने वाला स्टोन है। जहां पर पायराइट रहेगा वहां पर मनी अपने आप आएगा। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता, मेरे कहने का सेंस ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ काम ना करें और मनी आपके पास चलकर आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये स्टोन आप कैरी करेंगे या अपने पास रखेंगे, इसको अपने लॉकर में रखेंगे, कैश बॉक्स में रखेंगे, तो आपको मोटिवेटेड इतना करेगा, आप खुद इतना मोटिवेट होंगे कि आप अच्छे अच्छे खुद ही काम करने लगेंगे, आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। इन स्टोन्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनका काम यही होता है। आप अगर मेहनत करेंगे, आप इसको रख के भूल जाएं और कुछ काम ना करें, तब कोई भी स्टोन आपके लिए काम नहीं कर सकता। हर स्टोन की क्वालिटी होती है इसकी वाइब्रेशंस। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये स्टोन्स भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो आप अपना काम करिए और बाकी इनको, प्रोग्राम्ड स्टोन्स को अपने साथ रखिए। ये है पायरेट। आप अगर कभी भी मान लीजिए कोई भी इम्पोर्टेंट, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप इस स्टोन को अपने साथ कैरी करिए। फिर आप देखिए, कोई भी आपको ना तो किसी बिजनेस में पागल बना सकता है, ना आपको फूल बना सकता है, और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। इस स्टोन की वाइब्रेशंस ऐसी होती है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ मनी लेके आएगा। ये एक ऐसा स्टोन है, बिजनेस में बहुत सारी मतलब हिम्मत बहुत देने वाला स्टोन है। हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की मीटिंग्स के समय आप इसको अपने साथ में रखिए। आपको इसके रिजल्ट्स खुद समझ में आएंगे अगर आप इस एक स्टोन को अपने साथ कैरी करेंगे या अपने बॉक्स में रखेंगे। किसी भी तरह से अगर ये आपकी ऑरा में रहेगा तो समझिए, दूसरा दूसरे लोगों के साथ, जैसे मान लीजिए हमारा काम ऐसा है कि हमको बहुत सारे नए नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो जहां पर भी ऐसा वाला काम हो, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहां ढेर सारे लोगों से मिलना जुलना हो, तो वहां पर ये स्टोन बहुत काम आता है। ये स्टोन लोगों के साथ हमारे संबंधों को भी सुधारता है, हमारे गिव एंड टेक वाले जो रिश्ते होते हैं उनको भी सुधारता है, जिससे मनी फ्लो हमारी तरफ भी होता है, हमारे रुके हुए काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टोन इसलिए भी यूज होता है पायरेट। तो ये तीन स्टोन्स हुए। एक चौथा स्टोन और आपको दिखाती हूं, ये टाइगर आय। इसको टाइगर आय बोलते हैं। मनी के लिए जब भी हम स्टोन्स को यूज करें और उसमें टाइगर आय का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइगर आय जैसा कि नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ऐसा स्टोन जो आपको अंदर से बहुत मजबूती देगा। पैसा तो आएगा ही, लेकिन अंदर से बहुत आपको मजबूती देगा। टाइगर आई को हम ज्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। आप इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, या तो सिट्रिन के साथ बनाइए या फिर ग्रीन एवेंचुरिन के साथ भी आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। टाइगर आई की जो मेन क्वालिटी होती है वो ये कि जिस भी क्रिस्टल के साथ आप इसका कॉम्बो बनाते हैं तो उस क्रिस्टल की वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ा देता है। टाइगर आई देखिए खुद भी मनी को अट्रैक्ट करता है, पर इसकी एक दूसरी भी साथ में क्वालिटी ये होती है कि जिस भी क्रिस्टल के साथ आप इसको रख देंगे, मान लीजिए आपने एक टाइगर आई लेकर सिट्रिन के साथ में रख दिया, सिट्रिन और टाइगर आई का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये अपनी तो वाइब्रेशंस इसकी होंगी ही जो मनी खींचेगा, लेकिन सिट्रिन की वाइब्रेशंस भी और बढ़ा देगा। ये इसकी ये क्वालिटी होती है, इसीलिए टाइगर आई को ना बहुत ज्यादातर कॉम्बो में यूज करते हैं, चाहे तो सिट्रिन के साथ, चाहे तो ग्रीन एवेंचुरिन के साथ। इनमें से किसी भी स्टोन के साथ जब हम इसको रखते हैं तब इसका बहुत रिजल्ट आता है। अच्छा, एक क्वालिटी और इसकी
मान लीजिए आप बिजनेस में या जॉब में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि आप अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे, और जो अदर एक्टिविटीज हैं आप उनमें भी ध्यान नहीं दे पा रहे, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं सब चीजों के बीच में, वहां पर भी टाइगर आय काम करेगा। टाइगर आय आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने में काम करेगा। केवल अकेले ये पैसा नहीं खींचेगा कि आप बस पैसे में दिन रात लगे रहें और बाकी सब चीजों को आप इग्नोर करते जाएं, वो नहीं हो सकता इसके रहते। अगर आप इसका सिट्रिन के साथ में कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं तो इसका मेन काम ये होगा कि पैसा भी अट्रैक्ट करेगा, प्लस आपको इतना बैलेंस लाइफ आपकी बनती जाएगी जिससे कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी के साथ में, रिलेटिव्स के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ जीना सीख जाए। ये आपको मोटिवेट करता रहेगा कि आपको कब क्या काम करना है। तो इस तरह से हम ये टाइगर आई यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको इन चार क्रिस्टल्स के बारे में बताया। ये चारों ऐसे क्रिस्टल्स जो मनी अट्रैक्ट करने वाले, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आने वाले ये क्रिस्टल्स हैं। और पर देखिए, इनकी एक क्वालिटी ये है कि सारे क्रिस्टल्स तभी काम करते हैं जब प्रोग्राम्ड किए हुए हों। आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, जब ये क्रिस्टल आपके लिए प्रोग्राम होंगे, इनको पता होगा कि किसके लिए हमको क्या करना है, तभी आपको इनका बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस तरीके से इन क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लाने के लिए। अगर आप इनसे संबंधित कुछ और जानना पूछना चाहें मुझसे तो आप बात कर सकते हैं, या आप रेकी सीखना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।